नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। उनके साथ 22 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित एक समारोह में शाम 5 बजे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश मंत्रिमंडल में उन सभी मंत्रियों को शामिल किया गया है जो जीतन राम मांझी सरकार में शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। जो मन में एक एक बिहार वासियों के मन में गौरव का भाव है, यह मजबूत होता रहे। बिहार बहुत पिछड़ा प्रदेश है, ये आगे बढ़े। मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा काम उन्हीं प्राथमिकताओं को के आधार पर और जो पहले से हमारा रोड मैप बना हुआ है बिहार के विकास का, उस पर हम काम करते जाएंगे। राजस्थान विधानसभा का सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के लिए सरकार और पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों को चर्चा में लेने के लिए, इन पर चर्चा करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 23 फरवरी को बुलाई गई है। ये बैठक सीएमओ में सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में सत्र को लेकर सरकार की रणनीति तय की जाएगी और विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक के बाद 24 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। बजट सत्र की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। 25 फरवरी को कांग्रेस संगठन और विधायकों की संयुक्त बैठक होगी। प्रदेश सरकार बजट सत्र की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं सरकार को घेरने के लिए मुद्दों के अभाव से जूझ रही कांग्रेस अब विधायकों को क्लास देगी, जिससे कांग्रेस के विधायक विधानसभा में सरकार को घेर सके और कांग्रेस विधायकों की ये क्लास लेंगे प्रदेश कांग्रेस के आला नेता। इनमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी शामिल हैं। अब प्रदेश कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी अपने विधायकों को करवाएगी और कौन कौन से मुद्दों को सदन में उठाना है ये भी प्रदेश कांग्रेस ही तय करेगी। दरअसल 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 24 विधायक हैं। ऐसे में निकाय और पंचायत चुनाव जीत चुकी बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दों का टोटा है। ऐसे में अब की बार प्रदेश कांग्रेस अपने विधायकों को विधानसभा में रणनीति की तैयारी करवाएगी। मुद्दों की लंबी फहरिस्त है और खाली प्रायोरिटी तय करनी है कि क्या मुद्दे प्रायोरिटी के आधार पर रखे जाएं। किसानों के मुद्दे सामने हैं, बिजली मिल नहीं रही है, 24 घंटे की बातें करते थे, सवा साल तो इनको हो गया है। और स्वाइन फ्लू का आप देख रहे हो, 208 का आंकड़ा पार कर चुका है। स्वाइन फ्लू को लेकर लोग चिंतित है, तो मुद्दे तो मैं समझता हूँ कि लंबी फहरिस्त है। दरअसल 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले 25 फरवरी को सुबह 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी और कांग्रेस विधायकों की संयुक्त बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुलाई गई है। एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत, सह प्रभारी मिर्जा इरशाद बेग, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर ढूरी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम आला नेता और विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। झुंझुनू में पीसीसी के पूर्व चीफ और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर चंद्रभान ने पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस नेताओं की घर वापसी पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। चंद्रभान ने आलाकमान का फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार चुनावों में मिलती हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है। विधानसभा, लोकसभा, निकाय और पंचायत चुनाव, लगातार चार हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तो निराश हैं ही, आला नेता भी अपनों पर सवाल उठाने लगे हैं।
पंचायत चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अब आला कमान के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने हर तिकड़म अपनाई, हर वो फैसला लिया जिससे कांग्रेस गांव में अपनी सरकार बना सके। गांव में सरकार बनाने के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने बागियों की घर वापसी कराई। पार्टी पंचायत चुनाव में जीत का स्वाद चखने के लिए नेताओं की उन बगावत को भी भुला बैठी जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा तार तार हो गई थी। कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पानी पी पी कर टीवी चैनलों पर गाली देने वाले भंवरलाल शर्मा की घर वापसी कराई गई थी। भंवरलाल शर्मा के अलावा हरेंद्र मिर्घा, रीटा चौधरी, जेपी चंदेलिया, राजकुमार शर्मा और राजपाल शर्मा की भी वापसी कराई गई थी। शुरुआत में इस फैसले का पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी विरोध किया था, लेकिन आला कमान के आदेश के बाद सचिन पायलट भी फैसले के समर्थन में दिखे। बागियों की वापसी के बाद भी कांग्रेस पंचायत चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और ऐसे में एक बार फिर विरोध के सुर उठने लगे। पीसीसी के पूर्व चीफ और वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर चंद्रभान ने पंचायती चुनाव से पहले कांग्रेस के बागी नेताओं के घर वापसी पर सवाल खड़े कर दिए थे। पीसीसी के पूर्व चीफ और वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर चंद्रभान ने पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस के बागी नेताओं की घर वापसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रभान ने फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निकाले गए नेताओं की वापसी का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला। मेरा जो वक्तव्य था वो जनरल था, और अब तो खैर ये बात तो पुरानी हो गई है, इसका कितना लाभ हुआ नुकसान हुआ उसका असेसमेंट पार्टी करेगी। मेरे हिसाब से पंचायत चुनाव में तो कोई लाभ वगैरह हुआ नहीं, विशेष रूप से हमारे यहाँ अलसीसर की तरफ तो कोई लाभ हुआ नहीं, और भी एक दो जगह हुआ होगा, बाकी कहीं लाभ तो हुआ नहीं, यहाँ भी नहीं हुआ। ये हम लाल जी को लिया था वहाँ सरदार शहर में, वहाँ भी पार्टी चुनाव नहीं जीती। सवाल चुनाव जीतने हारने लाभ और नुकसान का नहीं है, पार्टी की नीति और सिद्धांत का है। जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो चुनाव का समय हो या बिना चुनाव के समय। मैं तो इस राय का हूँ। बागियों की वापसी से पंचायती चुनाव में कांग्रेस को फायदा नहीं मिला, उल्टा पार्टी में बगावत के सुर जरूर उठने लगे हैं। झुंझुनू से इम्तियाज फाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सिरोही नगर परिषद में सीसीटीवी घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा देवस्थान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के निर्देश पर जांच के बाद हुआ है। सिरोही में तीसरी आंख का घोटाला सामने आया है और ये घोटाला हुआ है सिरोही की नगर परिषद में। सिरोही नगर परिषद में सीसीटीवी कैमरे की खरीद होनी थी और इन सीसीटीवी की खरीद में जमकर नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल नगर परिषद में 10 लाख के 8 सीसीटीवी खरीदे जाने थे, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तत्कालीन सभापति जयश्री राठौड़ और आयुक्त लाल सिंह राणावत ने 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत पर 34 कैमरे खरीद डाले। इसके अलावा खरीदारी के लिए जो तरीका अपनाया गया वो भी सवालों के घेरे में है। नगर परिषद ने कैमरे की खरीदारी के लिए ऐसे अखबारों में निविदाएं दी जिनकी बिक्री ही नहीं है, और ऐसा जानबूझकर पूरी प्रक्रिया को छुपाने के लिए किया गया। यही नहीं, बोर्ड ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से कैमरों की खरीदारी की। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब देवस्थान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जिला कलेक्ट्रेट से इस मामले की जांच के निर्देश दिए। राज्य मंत्री के निर्देशों के बाद कलेक्ट्रेट ने मामले में एक 4 सदस्यीय टीम गठित की। टीम ने पूरे मामले की जांच की और घोटाले को सही पाते हुए जिला कलेक्ट्रेट को रिपोर्ट सौंप दी। ये अपना जो नगरपालिका चुनाव से 2 महीने पहले है, एक सिरोही जिले में
सीसीटीवी कैमरा शहर भर लगाया गया था पिछली बोर्ड के द्वारा। इसमें कुछ पार्षदों ने इसमें ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसमें प्रक्रिया तरीके से नहीं हुआ है। फिर प्रशासन ने क्या किया कि एडीएम जो यहाँ है उनके ऊपर इसको जांच सौंपा था और जांच मतलब लगातार चलता रही और इलेक्शन समाप्त होने के बाद इसका अनाउंस करना था हमें। अब जांच रिपोर्ट पूरी पड़ी है मेरे पास, इसमें जरूर अनियमितता जो निविदा प्रक्रिया जो है उसमें अनियमितता जरूर पाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि नियमों की अनदेखी भी हुई है और घोटाला भी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होती है। सिरोही से अनिल रावल, समाचार प्लस। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने खनन नीति में संशोधन कर खनन पटेधारियों पर खान और भू विज्ञान विभाग पर शिकंजा कस दिया है। केंद्र सरकार का खनन नीति 2015 का अध्यादेश मिलने के बाद राज्य सरकार ने भी प्रदेश की खनन नीति में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। मार्च तक प्रदेश की खनन नीति और नियमों में संशोधन की संभावना है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि अध्यादेश के मुताबिक प्रदेश के खनन नीति और नियमों में संशोधन के बाद खनन पट्टे आवंटन में पारदर्शिता, अवैध खनन और भू विज्ञान विभाग के नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगेगा। साथ ही अध्यादेश से विभाग को लक्ष्य से ज्यादा राजस्व और रॉयल्टी वसूली में आसानी होगी। ब्यावर को जिला बनाने की सालों पुरानी मांग एक बार फिर उठी है। जिला बनाने की मांग को लेकर ब्यावर सिटीजन काउंसिल ने चांग गेट पर एक दिवसीय धरना दिया। काउंसिल सदस्यों की इस अभियान का लगभग 12 अन्य सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन किया। सदस्यों ने मांग रखी कि ब्यावर को इसी बजट में जिला बनाया जाए। सदस्यों का कहना था कि इससे पहले भी कई राजनेताओं ने ब्यावर को जिला बनाने के झूठे आश्वासन दिए, लेकिन किसी भी बजट में ब्यावर जिला घोषित नहीं किया गया। ब्यावर का करोड़ों का राजस्व और सबसे और ये मांग है हमारी कि ब्यावर को जिला बनाया जाए। मांग तो ये करीब 40 साल से चल रही है और आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे वो ब्यावर आए थे तो उन्होंने दो बातें कही थी। एक तो ब्यावर में जल की योजना अच्छी चलनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए और दूसरा ब्यावर जिला बनने के लायक है, लेकिन किसी कारणवश ब्यावर आज तक जिला नहीं बना। बालोतरा पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान की शैक्षिक योग्यता का दस्तावेज जांच में संदिग्ध पाया गया है। मार्कशीट की जांच के लिए बालोतरा पुलिस की एक टीम यूपी के इलाहाबाद भी गई है। सूत्रों की माने तो जांच में प्रधान के रोल नंबर पर दूसरे का नाम होने की बात सामने आई है। मार्कशीट की जन्मतिथि में भी हेरफेर की बात सामने आई है। बता दें कि प्रधान ओम प्रकाश ने 2010 में जब पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था तब योग्यता में खुद का 8वीं पास बताया था। प्रशासन के निर्देश पर पूरे मामले की जांच बालोतरा पुलिस कर रही है। 12 शहर में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत सहायिका पर फर्जी मार्कशीट देकर नौकरी करने का मामला सामने आया है। सहायिका शहर के चरीघाट रोड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत है। शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने सहायिका पर फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने का आरोप लगाया है, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका ने फर्जी दस्तावेज लगाने की बात से इनकार किया है। वहीं एडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए भरोसा दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। मुझे मालूम है नहीं, आपने मार्कशीट लगाया 8 पास की जो फर्जी लगाई है, क्या आपने फर्जी मार्कशीट लगाई? नहीं लगाई, मैंने तो सही डॉक्यूमेंट दिया था और रमेश मेंबर ने करी है, ये मेरे साथ 420। तो आप 8 पास हो? हाँ। क्या सबूत है आपके पास 8 पास हो? 8 पास की मेरी मार्कशीट तो लगाई नहीं, उन्होंने कहा कि बना के लगा दी, मेरे को याद ही नहीं। झालावाड़ की सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से लाखों रुपए लेकर फरार हुए संचालक के घर के बाहर एक पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक सोसाइटी मालिक दिनेश जैन नहीं आएगा तब तक वो उसके घर से नहीं जाएंगे। बता दें कि सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले दिनों चोमेला इलाके के करीब 200 खाता धारकों की 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। सोसाइटी के फरार होने का पता चलने पर उसके खिलाफ रामगंज मंडी और खानपुर थानों में अलग अलग प्रकरण दर्ज करा जा चुके हैं।
इनको हमने 2 लाख 10 लाख का 10 लाख का कलेक्शन करके दिया, ना हमने लोन लिया ना कुछ लिया, कुछ भी नहीं लिया, फिर भी ये हमें हमारा पैसा लेके सब भाग गए। अपर पुलिस ने पिछले करीब 1 साल से आंख मिचौली का खेल खेल रहे 118 करोड़ के घोटालेबाज गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल फरवरी में भविष्य क्रेडिट सोसाइटी में निवेशकों का करीब 118 करोड़ का घोटाला कर संजय शुक्ला फरार हो गया था, जिससे इसके सारे निवेशकों में खलबली मच गई थी। पुलिस ने सोसाइटी को चला रहे संजय शुक्ला के 3 साथियों दामोदर नागदा, राजेश शर्मा और मेहता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और तीनों इस समय जेल में है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए संजय शुक्ला ने जनवरी 2015 में गुजरात के राजकोट शहर में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस संजय शुक्ला से उन पैसों का पता लगाने का प्रयास करेगी जो निवेशकों के खून पसीने की कमाई थी। अन्य प्रकार की प्लानिंग करी, इस तरह से लोगों से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, लगभग 118 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्टर से अलग अलग स्कीम्स के अंदर इकट्ठे किए थे। पब्लिक द्वारा, आम जनता द्वारा जब इसकी थाने में रिपोर्ट करेगी तो सब लोग यहाँ से फरार हो गए। इनमें दामोदर नागता, अरविंद मेहता और राजेश शर्मा को अन्य प्रकरणों में पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक अभियुक्त संजय शुक्ला था जो अभी बचा हुआ था, उसको उदयपुर पुलिस ने राजकोट से आज सुबह गिरफ्तार किया है। फलौदी शहर के मलार रोड इलाके में बेशकीमती करोड़ों की जमीन फर्जी पट्टे प्रकरण में बाकी 18 लोगों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इस मामले में सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में शहर के तत्कालीन अधिकारी और कई प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम होने की खबर है। ये मामला 2012 का है। जांच में सीबीसीआईडी ने 23 लोगों को दोषी माना है, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर गिरफ्तारी की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस को 23 फरवरी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट देना है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट देने से पहले और कितने लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाती है। इसकी जांच जो चल रही थी वो सीआईडीसीबी द्वारा फरमाई जा रही थी। सीआईडीसीबी ने अपने अनुसंधान पूर्ण कर 23 मुलजिमानों के विरुद्ध जुर्म साबित माना। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 23 के 23 जो आरोपी हैं, मुलजिम हैं, उनकी गिरफ्तारी की जानी थी। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि 23 तारीख को इसकी पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब तक 23 में से 5 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और जेसी करवाया गया। कहते हैं कि आशिकी करना तो आसान है, लेकिन उसका परिणाम भुगतना बेहद मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही माजरा अजमेर में सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बुढ़ापा दहलीज पर था, उम्र बच्चों की ढंग से परवरिश करने की थी, लेकिन उसके सिर पर तो इश्क का फितूर सवार था। फितूर भी ऐसा कि न उम्र देखी न दूरी, बस मोबाइल से मैसेज करने में मशगूल था। और जब ये सरफरा आशिक लोगों के हत्थे चढ़ा तो लोगों ने भी उसके इश्क के भूत को उतारने में देरी नहीं की। भीलवाड़ा की रहने वाली एक महिला पिछले काफी दिनों से परेशान थी। उसकी बेटी को एक सरफरा आशिक काफी दिनों से परेशान कर रहा था। सरफरा आशिक युवती के मोबाइल पर अश्लील मैसेज करता और उसे फोन कर उसे परेशान करता था। बेटी के फोन पर रोज रोज आने वाले अश्लील मैसेज और फोन से परेशान होकर महिला ने अजमेर में रहने वाले अपने मायके वालों को खबर की। मायके वालों ने महिला से वो नंबर लिया और उस नंबर पर फोन किया। फोन करने के बाद महिला के मायके वालों को पता चला कि परेशान करने वाला शख्स अजमेर का ही है और कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है। मायके वालों ने उस शख्स से कहा कि वो अपना कंप्यूटर रिपेयर कराना चाहते हैं, जिसके बाद वो आशिक मिजाज शख्स मायके वालों की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। उसके पहुंचते ही लोगों ने उसका फोन छीन लिया और जब चेक किया तो उन्हें वो मैसेज मिल गया जो वो शख्स करता था। इसके बाद तो वहां मौजूद लोग उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई की। किसी ने उस पर लात बरसाई तो किसी ने घूसे, उसे मुर्गा बनाया और इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो हमारी सिस्टर का फोन आया कि लड़का यहाँ से अजमेर से आता है देवेंद्र नाम से, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो इसे हमने कल बुलाया, आज फोन करके भाई क्या करते हो? तूने कहा भाई कंप्यूटर, हमने कहा कंप्यूटर ठीक करना इधर आ। यह आके कहता है कि भैया ये नंबर मैंने मैसेज नहीं किया, तो मैंने कहा फोटो कैसे भेजी? तो भैया जान पहचान नहीं हुई थी तो मैं मेरी फोटो ही भेजता था।
ऐसे खुद की फोटो भेज रहा है, ये कर रहा है, और फिर आखिर कबूल कर रहा है कि मैंने भैया बात करता था मगर वैसे नहीं होती थी। मेरे कैसे होती है कि मैसेज है कि मैंने मैसेज भी इसके मोबाइल में हमारे पास है। आशिक मिजाज शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अजमेर से संतोष सोनी, समाचार प्लस। सूबे में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, न तो उन्हें पुलिस का भय है और न ही उन्हें ऊपर वाले से डर है। सूबे के चारों जगहों की तस्वीर आपके सामने है जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से चोरों में कानून का या पुलिस का भय नहीं रह गया है। बयाना, पर्वतसर, झुंझुनू, अजमेर तमाम जगहों पर कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। कहीं मंदिर से चोरी हुई है तो कहीं घर से सोने और चांदी के जेवरात के साथ नकदी पार कर चोर फरार हो गए, लेकिन पुलिस इन तमाम जगहों पर अभी तक कुछ खास खुलासे नहीं कर पाई है, केवल मामला दर्ज करके खानापूर्ति में जुटी है। गंगापुर सिटी में बीते 20 फरवरी को अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मुखबिर की सूचना पर हिंडौन और करौली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। बीते 20 फरवरी को हिंडौन से नाबालिग लड़की को अगवा कर आरोपियों ने गंगापुर सिटी के चूली गेट पर एक सूने मकान में दुष्कर्म किया था। लड़की के चिल्लाने की आवाज पर लोगों ने मकान में कुंडी लगा दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पहले दो आरोपी फरार हो गए थे जबकि एक मौके से गिरफ्तार हुआ था। घटना के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संगठन लोगों ने लव जिहाद बताते हुए थाने में धरना प्रदर्शन सहित जुलूस निकाला था। उदयपुर के ऋषभ देव थाना इलाके में एक मार्बल माइंस में खनन का कार्य करते समय मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, दोनों मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद मजदूर घटनास्थल पर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। मुआवजे की राशि और मांगों की को लेकर समझौता नहीं होने से शाम तक मजदूरों के शव भी निकाले नहीं जा सके। श्रमिक संगठन मृतक के परिवार को 16,75,000 रुपए की राशि का चेक देने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदेश में दो अलग अलग सड़क हादसों में महिला की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप अलग अलग सड़कों की तस्वीर देख रहे हैं। केशवरायपाटन और चाकसू की तस्वीर आपके सामने है। केशवरायपाटन में एक बाइक बेकाबू होकर फिसल गई, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर चाकसू की है जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई, हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं जिनमें 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है, उनका इलाज जारी है।